अभी देख सकते हो कि ये मेरे जो छोटे छोटे बाल हैं, ये देखो, ये वाले अभी अभी आए हैं, ये वाले। तो ये तो प्रूफ है बालों का ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है क्योंकि फ़ैन मैंने ऑन रखा है, बहुत गर्मी है और ये वीडियो मैं दोपहर के टाइम में शूट कर रही हूँ और मुंह पे सीधे धूप आ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है ये हम बालों के ऊपर लेके आई हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि अभी तो आपके बाल छोटे थे, अभी इतने लंबे कैसे हो गए, क्या करते हो, आपके क्या हेयर फॉल नहीं होते? तो ये सारे टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आई हूँ और साथ ही साथ मैं आज से 1 महीने का हेयर ग्रोथ चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। आज आज जो 1 मई है, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये वीडियो जिस दिन भी जाएगा, अपलोड होगा, उस दिन से आप 1 महीने का पूरा अच्छे से हेयर ग्रोथ चैलेंज ले लीजिए। इसका सबूत ये है कि पिछले 1 महीनों में मैंने अपने बालों को देखो कितना बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है, आप देख सकते हो। मैं लाइव टेस्ट दे रही हूँ। अब आप सोचोगे कि ये मेरे बालों की हालत ऐसी कैसे थी। अगर आप लोगों ने मुझे बहुत पहले से देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे जो हेयर है बहुत ज़्यादा कर्ली है, बहुत हैवी कर्ली है, मतलब कंगना रनौत टाइप कर्ली, तो बहुत ज़्यादा कर्ली मेरे हेयर हैं। और जिसको मैं पहले तो मेरे बाल अच्छे थे, जब कर्ली थे तो आपको सिल्की भी थे, मेरे बाल बहुत सिल्की थे क्योंकि कर्ली बालों में ज़्यादातर सिल्कीपन होता नहीं है, मतलब वो सिल्की नहीं होते हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत सिल्की थे क्योंकि मैं अपने चेहरे का ख्याल वैसे नहीं रखती हूँ जितना मैं अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। तो बालों का ख्याल मैं बहुत रखती थी। इसके बाद मुझे भूत चढ़ा बालों को स्ट्रेटनिंग करवाने का, स्मूथनिंग करवाने का, एक्चुअली रिबॉन्डिंग करवाने की इच्छा हुई थी, क्योंकि जिन दिनों में मुझे ये चस्का लगा था ना, उन दिनों में यूट्यूब पर सिर्फ रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग का वीडियो चल रहा था, तो मुझे भी ये चस्का लग गया था और मैंने करवा लिया, स्मूथनिंग करवा लिया। और क्यों, जब मैं स्मूथनिंग करवा के आई तब मेरे जो बाल सीवियर हेयर फॉल शुरू हुए। एक्चुअली स्मूथनिंग के टाइम में ही हेयर फॉल शुरू हो गए थे। स्मूथनिंग के टाइम मेरे यहाँ से ये पूरे जो हेयर है ना, ये ऐसे निकल रहे थे। स्मूथनिंग के टाइम में 3 दिन आपके बालों को ऐसे स्ट्रेट करके छोड़ दिया जाता है ना, बोलते हैं कि आपको बालों में हाथ नहीं देना है, बालों को मोड़ना नहीं है, कान के पीछे नहीं करना है, कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। उन दिनों में मेरे यहाँ पे बाल नहीं होते थे, ये वाले बाल बिल्कुल नहीं थे, और मुझे लगता था कि मेरा जो बाल है बहुत पतला है इसलिए यहाँ पे ये नीचे की स्किन दिख रही है, बट ऐसा नहीं था, वहाँ से बाल उड़ चुके थे। और जिन्होंने स्मूथनिंग किया मेरा, उन लोगों ने ये नहीं बताया कि अगर आपका बालों की क्वालिटी पतली है तो आपको स्मूथनिंग नहीं करवाना है। अब मुझे थोड़ी ना पता कि मेरे बालों की क्वालिटी पतली है, मुझे स्मूथनिंग नहीं करवाना चाहिए, बट जो कर रहे हैं उनको तो पता था, लेकिन खैर वो लोग पैसे की वजह से नहीं बोले और स्मूथनिंग करवा लिया मैं। अच्छा, जब मैंने स्मूथनिंग करवा लिया उसके बाद जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था जो बहुत ही सीवियर था, उसके बाद जो हुआ मैं अपने हेयर फॉल से इतना जो परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी कि पिछले 2 महीने पहले मैंने अपने हेयर कट करवा लिया था पूरा शॉर्ट। आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा, बहुत लोगों ने बोला भी कि आपके हेयर अच्छे नहीं लग रहे, इतने शॉर्ट क्यों करवा लिया। मैंने कंधे तक अपना हेयर करवा लिया था क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी, हमेशा हाथों में बाल, घर में सब जगह बाल बाल दिखते थे, हर जगह बाल बाल दिखते थे, तो बहुत बुरा लगता था मुझे। और समटाइम खाने में भी चले जाते थे तो अपना बनाया हुआ खाना खुद भी खाने की इच्छा नहीं होती थी, कसम से, अपने ही बाल से इतनी नफरत सी होने लगी थी। फिर मैंने सलून में जाके उसको कट करवा लिया, मतलब इतना कट करवा लिया, मेरे इयररिंग से थोड़े से नीचे पूरे कट करवा लिए। और जिसने कट किया ना, वो बोल रहे थे कि आपके बाल पूरे तो है ही नहीं, पूरा ख़राब कर लिया है बालों को, जैसे सलून में बोलते वैसे ही बोले, ठीक है। अच्छा, कट करवाने के बाद जब मैं घर पे आई तब मैंने मतलब देखा, मुझे ट्रस्ट में मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि शॉर्ट हेयर रख, बहुत पहले जब मैं टेंथ तक तो मैंने शॉर्ट हेयर ही रखे थे, ब्लंट रखे थे, लेकिन इसके बाद मैंने थोड़े से लंबे कर लिए थे, उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे थोड़े से बाल लंबे रहे, तो मैंने फिर से कोशिश शुरू कर दी कि मुझे लंबे बाल चाहिए। अब लंबे बाल कैसे करें, उसके लिए मैंने बहुत सारे DIYs भी ट्राई किए, कुछ प्रोडक्ट चेंज किए, कुछ अपना खाने पीने में चेंज किया, सब चीज़ चेंज किया, लेकिन
सप्ताह दिन तक तो मुझे असर नहीं दिखा, लेकिन सप्ताह दिन के बाद से मुझे असर दिखना शुरू हुआ। अब देखो बाल तो मेरे अभी भी गिरते हैं, लेकिन बाल मेरे अभी स्ट्रांग हो गए हैं। एवरी डे बेसिस में अगर आपके 100 बाल गिरते हैं ना तो वो बुरा नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम है। और मुझे भी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं एक बार डॉक्टर को भी दिखाई थी, जिन्होंने बता दिया था कि मुझे एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो रही है। तब तो मेरा दिमाग और घूम गया था कि भाई एलोपेशिया की प्रॉब्लम, उन्होंने तो बहुत सारा मेडिसिन मुझे लिख के दे दी थी, लेकिन मैं सच बोलूँ तो मैंने मेडिसिन खाई नहीं, मैंने खरीदी ही नहीं। तो एलोपेशिया की प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मुझे पता था कि मेरी स्मूथनिंग की वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं। फिर मैंने DIYs भी ट्राई किए। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि मैं अपना खाना सही करूं, खाने में मैं अच्छी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाऊं। वैसे भी इस पैंडेमिक में बाहर का खाना तो खाते नहीं थे, लेकिन घर में भी कभी कभी उल्टा पुल्टा बना के ही खा लेते थे। लेकिन सबसे पहले मैंने खाना शुरू सही किया। पानी पीना बहुत, मैं पानी वैसे भी पीती हूँ, और अब तो और भी 1-1.5 लीटर ज़्यादा पानी पीना शुरू किया। व्यायाम शुरू की, थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू की, और सोने का टाइमिंग सही नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सोना भी टाइम पे ज़रूरी है जिससे बाल आपके अच्छे होते हैं, स्किन और बाल दोनों अच्छे होते हैं। तो रात को मेरा काम होता है और दिन को घर के काम होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, सोने का टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ सच बोलूँ तो। लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ DIY ट्राई की है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको DIYs भी दिखाऊँगी। फिलहाल आज मैं दिखाती हूँ कि मैंने हेयर केयर में क्या चेंज किया। तो पहले मैं स्कॉच कर्व का लगाती थी, जो स्मूथनिंग का शैम्पू आता है और उसके जो स्पा आते हैं वो लगाती थी। अभी मैं लगाती हूँ क्या, मैंने ये जोविस का, ये वाला हीना जोविस हेयर सॉल्यूशन का हीना जिंसेन एंटी हेयर लॉस शैम्पू को ट्राई करना शुरू किया है। ये ऑल टाइप हेयर के लिए है, और हेयर के लिए ना मैं बोलूँगी कि अगर आपको सीवियर हेयर फॉल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको क्यों यूज़ करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके बालों को एकदम से ड्राई नहीं करता है। सिर्फ ये हेयर फॉल को नहीं रोकता, ये नहीं है, हेयर फॉल को भी रोकता है, प्लस ये आपके बालों को ड्राई नहीं होने देता है। आपके बालों की जो नेचुरल ऑयल होती है उसको सोक नहीं करता है, उसको रहने देता है। क्योंकि नेचुरल ऑयल चाहे स्किन का हो चाहे हेयर का हो, वो होना चाहिए बालों में, तभी तो बाल नरिश रहेंगे, मुलायम रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, टूटेंगे नहीं। तो ये सारा काम करता है। अच्छा, इसको लगाने के बाद मुझे फ़र्क नज़र आया कि जो मेरे सीवियर हेयर फॉल हो रहे थे वो गिरने कम हो गए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी पूरे 100% गिर बंद हो गए हैं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। 150 हेयर फॉल होते हैं वो नॉर्मल है, वो होना भी चाहिए और नॉर्मल भी है। लेकिन जो मेरे इतने जब भी मैं कंघी करूँ, ना भी करूँ, हाथ ऐसे करूँ तो भी ऐवी निकलते रहते थे, तो कपड़े पर हमेशा हेयर रहते थे, वाइट कपड़े पहनना इसलिए मैं पसंद नहीं करती थी, जबकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि वाइट कलर, लाइट कलर के कपड़े खासकर गर्मियों में पहनना बहुत पसंद करती हूँ, बट इतने इतने बाल दिखते थे। अब मैंने 1 महीने पहले से, यानी कि अप्रैल से मैंने ट्राई करना शुरू किया मैंने इसको, और मैं इसको वीकली 3 बार ट्राई यूज़ करती हूँ। और क्योंकि धूल वूल भी आती है, फिर गर्मी है, बालों में स्वेटिंग होती है, तो आपको थोड़ा सा अपने बालों की केयर करनी होती है। अब सिर्फ मैं इसको ही यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसके अलावा इसका जो स्पा है उसको यूज़ करती हूँ कंडीशनर की जगह। जैसे आप शैम्पू के बाद कंडीशनर करते हो ना, मैं उसका स्पा यूज़ करती हूँ, जो कि अभी वॉशरूम में है, मैं लेके नहीं आई, तो स्पा यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ इसका सीरम भी यूज़ करती हूँ, जो सब मैं यहाँ पे दिखा दूँगी, लिंक भी दे दूँगी, आप देख लेना। तो ये मेरे हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया है, ठीक है, तो इसको मैंने यूज़ किया। अच्छा, आप बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए, ये हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको आपको बहुत सारे हीना एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, जिंसन एक्सट्रैक्ट मिलेगा, आमला एक्सट्रैक्ट मिलेगा, कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये हर्बल प्रोडक्ट है, तो ये बालों को ख़राब नहीं करता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है, मैं इसको ऑनलाइन भी इसका बहुत रिव्यू पढ़ी थी, इसको बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है और उस हेयर फॉल में ये अमेजिंग वर्क करता है, ये मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपके हेयर ऐसे हैं जिस पे कुछ भी शूट नहीं कर रहा है, तो आप इसको ट्राई कीजिए, जो भी इसका ये हेयर सोल्यूशन हिना एंड जिंसन एंटी हेयर लॉस शैम्पू है, इसको यूज़ कीजिए आप, और इसके साथ स्पा एंड सीरम भी यूज़ कीजिए। आपके बालों में मतलब इतना अच्छा आपको शाइन दिखेगा, आपके बाल स्ट्रांग होंगे, लेंथ भी आपकी बढ़ेगी,
और आपको मैं दिखा देती हूँ कि मेरे बाल मैंने जब अभी 2 महीने पहले कट किए थे, मार्च में ही तो कट किया था ना, मार्च में इतना सा कट कर लिया था, इतना गले का यहाँ तक था, और अभी मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं, ठीक है, 2 महीनों में। और ये वाले बाल देखो, ये जो बढ़ नहीं रहे थे वो 1 महीनों में इतने बड़े हुए हैं। तो आपको मैं आगे के वीडियोस में DIYs भी दिखाऊंगी, और 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज आज से स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो जो मैं बता रही हूँ उसको आप लोग ट्राई ज़रूर करना, और अपना जो फीडबैक है देते रहना, जिससे कि मुझे भी हेल्प मिलेगी और एक साहस मिलेगा कि मेरे जो बताए हुए रेमेडी हो या चीज़ें हो आप पे यूज़फुल है। तो इसका मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आने वाले वीडियोस में मैं आपको वीकली 3 हेयर DIY ज़रूर दिखाऊंगी, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, तो वो आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो कम हो रहा है, और आपके हेयर अगर वाइट हो रहे हैं तो वो भी होने बंद हो जाएंगे। वैसे मेरे वाइट हेयर नहीं थे, लेकिन मेरे ग्रे होने शुरू हो गए थे, मतलब नीचे से थोड़ा सा समझ में आ रहा था, लेकिन अभी मैं जो कर रही हूँ ना उसकी वजह से मेरे वो फिर से एकदम कवर्ड हो गए हैं, और मैं कोई कलर नहीं यूज़ करती हूँ बालों में, फिर भी मेरे बाल आपको देखो एकदम कोई भी वाइट हेयर आपको नहीं दिखेंगे। तो वाइट हेयर से भी छुटकारा मिलेगा आपको, आपका हेयर जो है स्मूथ होगा, सिल्की होगा, शाइनी होगा, प्लस आपके जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल होंगे, स्प्लिटेंस आप में नहीं आएंगे। आप देखो मेरे बालों में कहीं स्प्लिटेंस नहीं दिखेंगी, तो स्प्लिटेंस आपके नहीं आएंगे, साथ ही साथ आपके हेयर स्ट्रेट भी होने शुरू होंगे। तो ऐसा मैं बहुत सारा रेमेडी है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आने वाले दिनों में। तो वीडियो में ऐसे ही पूरे अच्छे से बने रहिएगा, जिससे कि आपको भी इस वीडियोस का फ़ायदा मिले, और आप लोग को काम है कि आप जो भी चीज़ें देखते हो उसको यूज़ कीजिए, और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी है आप लोग का फीडबैक मेरे लिए। आप फीडबैक दोगे तो मैं मेरे को काम करने में और भी इंस्पायर मिलेगा, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। अगर कोई लाइक करता है, कोई अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखता है, अगर कोई रेमेडी आपको सूट नहीं करती है तो भी आप बताइए कि ये आपके लिए सूट था या नहीं था। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं बताती जो आपको सूट ना करे, क्योंकि हर्बल चीज़ें हैं या घरेलू चीज़ें हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, स्पेशली अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो तो उस चीज़ को आप यूज़ मत करना, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। तो आज के से हम स्टार्ट करते हैं 30 डेज हेयर फॉल चैलेंज और हेयर ग्रोथ चैलेंज सब कुछ। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो हेयर का लेंथ है ना, ये रहा, यहाँ तक है, ठीक है। तो 1 महीने बाद, यानी कि हम मई महीने में हैं, हम जून में देखेंगे 1 महीनों में मेरा हेयर का लेंथ कितना है या मेरे हेयर की क्वालिटी कितनी है। आप लोग भी यहाँ से हेयर ग्रोथ चैलेंज स्टार्ट कीजिए, हेयर फॉल चैलेंज स्टार्ट कीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही 1 महीने तक पूरा बने रहिए, और देखिए कि आप लोगों को रेमेडी कितनी कारगर लगती है, मेरे बताए नुस्खे कितने कारगर लगते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आज का वीडियो इतना ही है, आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती भी रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन बाय।